हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एग्जाम आज का वीडियो है आपके लिए, जो आपका एयरफोर्स X5 ग्रुप का एग्जाम अप्रैल में होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने आपके लिए जो हमारा एयरफोर्स X5 ग्रुप का पिछला एग्जाम हुआ था उससे इनटेक की जो हमारी फाइनल मेरिट आने वाली उससे संबंधित एक वीडियो बना रखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए। और एक वीडियो मैंने मेडिकल से संबंधित आपका एयरफोर्स X5 ग्रुप में कैसे पूरा मेडिकल प्रोसेस होता है उस पर बना रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि हमारा जब एग्जाम हो जाता था और हमारा फेस टू और मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हमारा मेडिकल कैसे होता है उसके विषय मैंने पूरी डिटेल्स में उस एनालिसिस कर रखी उस वीडियो को। तो प्लीज़ अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। अब देखिए आते हैं आज के हमारे पॉइंट पर, यानी कि आज का जो मैंने वीडियो बनाया क्यों बनाया, क्योंकि आपको मैं बता दूँ जो हमारा एग्जाम होने वाला एयरफोर्स X5 ग्रुप का, आपका पता उसकी डेट हमारी कब से दी गई, 18 से 22 अप्रैल। और मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता चाहता हूँ कि जैसा कि थंबनेल बना के हमारा एग्जाम नहीं होगा या पोस्टपोन होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी में जो हमारा था कि स्कूल जो हमारे थे 1 से 8 तक वाले वो 23 मार्च थे 31 मार्च तक, यानी कि हमारा लॉकडाउन वहाँ पर लग चुका है, स्कूल वगैरह में सब कुछ बंद हो चुका है। तो आपको मैं बता दूँ स्कूल अभी हमारे 1 से 8 तक के बंद हुए हैं, अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको पता होगा सभी जगह केसेस बंद बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी कई अगर जगहों पर आपको पता होगा कि नाइट रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। और आपको पता है यूपी हो गया हमारा, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये मेन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम सेंटर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे पेपर देते हैं। तो इसी के बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाई है कि हो सकता है अगर आपके कोविड के कुछ केसेस बढ़ेंगे तो लॉकडाउन लग सकता है, और अगर लॉकडाउन लगेगा तो आपका एग्जाम जो हमारा 18 से 22 अप्रैल होने के चांसेस है वो हमारा पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन आपको एक काम करना है कि अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि अभी भी श्योर नहीं है कि हमारा लॉकडाउन लगेगा या नहीं, लेकिन केसेस बढ़ने की वजह से आपके पता है ज़्यादा स्कूल अभी सबसे पहले बंद किए गए 1 से 8 तक के, और जिनमें एग्जाम चल रहे थे उनको भी बिल्कुल कोविड इंस्ट्रक्शन के साथ एग्जाम कराने के लिए सलाह दी गई है। तो दोस्तों वीडियो इसी बेसिस पर बनाई गई थी। तो और अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।